For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome back to Movies Adda. बात की जाए अगर सलमान खान की तो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक के बाद एक कई ऐसी लगातार फिल्म्स हैं जो सलमान की प्लेट में है फिलहाल. सबसे पहले तो बात करना चाहूंगी ऑफ कोर्स राधे जो कि चल रही है. उसके बाद सलमान शूट करेंगे जिसमें वो एज अ सिख कॉप नजर आने वाले हैं. आयुष शर्मा की फिल्म है हालांकि उसमें उनका एक एक्सटेंडेड केमियो होने वाला है. उसके बाद प्लेट में है कभी कभी दिवाली, फिर है किक, फिर है टाइगर 3, यानी कि बहुत सारी चीजें प्लेट में है. अब बात करती हूँ मैं, जो खबर आ रही है वो ये है कि राधे के बाद सलमान जाने वाले थे कभी ईद कभी दिवाली की शूट पर, लेकिन उसको और ज्यादा प्रीपोन कर दिया गया है. जी हाँ, क्योंकि यशराज जो है वो, यानी कि टाइगर 3 जो है वो फ्लोर्स पर जल्दी जाना चाहती है. यशराज फिल्म्स चाहता है कि सलमान जो है वो अपनी डेट्स को थोड़ा खाली कर दे, जिसके चलते वो टाइगर 3 थोड़ा जल्दी शुरू कर पाए, यानी कि अगस्त तक शुरू कर पाए. अब अगस्त में कभी ईद कभी दिवाली का स्लॉट था. जी हाँ, राधे के रिलीज के बाद अगस्त के स्लॉट पर थी कभी ईद कभी दिवाली, और सलमान खान ने स्पेशली साजिद से रिक्वेस्ट करके इस फिल्म की जो शूटिंग डेट्स है उसको और थोड़ा आगे करवा दिया. जी हाँ, यानी कि प्रीपोन हो गई है कभी ईद कभी दिवाली सिर्फ और सिर्फ टाइगर 3 के लिए, क्योंकि सलमान खान भी इक्वली एक्साइटेड है टाइगर 3 के लिए और वो भी चाहते हैं कि टाइगर 3 की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि ये जो थ्रिलर है, ये जो स्पाई ड्रामा है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. टाइगर 1 और टाइगर 2 दोनों ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइज रही हैं, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए. तो कहीं ना कहीं राधे के बाद सलमान जो है वो फटाफट से कभी कभी दिवाली को प्रीपोन करके, यानी कि और भी ज़्यादा क्विक शूट किया जाएगा कभी कभी दिवाली. बट एक प्रॉब्लम ये है कि उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, यानी कि फरहाद सामजी, वो भी अपने डेट्स, उन्हें भी अपने डेट्स इस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे को यू नो डायरेक्ट कर रहे हैं. तो देखना वाकई बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं. लेकिन सलमान ने एक बार कह दिया है तो फिर ये कमिटमेंट पूरी जरूर होगी और टाइगर 3 हमें इस साल या अगले साल तक जल्द से जल्द देखने को मिलेगी. सो टाइगर 3 के लिए कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में ये जरूर बताइएगा, और इस न्यूज़ से कितने ज़्यादा आप खुश हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी दिवाली प्रीपोन कर दी गई है टाइगर 3 के लिए. क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड अगेन वेलकम बैक टू मूवीज अड्डा. एक पल में तुमको भुला दूंगा, यानी कि फाइनली भुला दूंगा ट्रैक आउट हो चुका है. वेल, मच 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 अवेटेड ट्रैक था. सिडनास की सुपर डुपर केमिस्ट्री हमें इस गाने में देखने को मिल रही है. ओ माय गॉड, लिटरली जब आप ये गाना देखेंगे तो आपको गूज़बम्स आएंगे. इफ़ यू आर अ सिडनास फैन, एंड आई एम अ सिडनास फैन, आई लव सिडनास टुगेदर. और इस गाने में हमें भर भर के सिडनास मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमने रियल लाइफ में तो अब देख रहे हैं, रियल लाइफ में हमने बिग बॉस के घर में देखे हैं किस तरीके से ये दोनों साथ में इंजॉय करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, टांग खिंचाई करते हैं एक दूसरे की. ये सारे मोमेंट्स हमें इस गाने में बखूबी पिरोए हुए नजर आ रहे हैं. इंडी म्यूजिक पर ये गाना आउट हुआ है और उसके साथ साथ यू नो कहीं ना कहीं ये जो गाना है ये सिडनास फैंस के लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट है. इट्स अ सोलफुल सॉन्ग, इट्स अ सोलफुल वॉइस, इट्स वेरी 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 टची, वेरी इमोशनल. जिसकी आवाज़ है, यानी कि दर्शन रावल की आवाज़ इस गाने में जो है वो अपने आप को दिल यू नो दिल को छू जाएगी, वो ऐसी आवाज़ है. और उसके साथ जब सिडनास इस तरीके से नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये गाना धमाकेदार होने वाला है. बस एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि एट द एंड दोनों अलग हो रहे हैं, वो देखना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सिडनास को आप सिर्फ और सिर्फ एक साथ देखना चाहते हैं और दोनों के अंदर कितना प्यार है एक दूसरे को लेकर, ये भी हमें इस गाने में बखूबी नज़र आ रहा है. तो मुझे ये ट्रैक बहुत पसंद आया. मैं इस ट्रैक को डेफिनेटली विदाउट बीइंग पार्शियल मैं इस गाने को 5 out of 5 देना चाहूँगी, और मुझे गाना बहुत पसंद आया. मैं रिपीटेशन मोड पर सुनने वाली हूँ. आपको कैसा लगा ये आप कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ. हेलो गाइस, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा. राधे को लेकर मार्केट में सुपर डुपर बज है. जी हाँ, इस फिल्म ने अनाउंसमेंट के बाद से ही हर तरफ हड़कंप मचा रखा था, क्योंकि हर दूसरे दिन ये फिल्म जो है लाइमलाइट में आ जाती है ड्यू टू एनी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर. अब यहाँ पर सबसे रीसेंट इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि इस फिल्म में सलमान खान एक विलन से नहीं बल्कि 3 या 4 विलन से लड़ने वाले हैं. जी हाँ, और इसके सबूत क्या है चलिए आपको बता देती हूँ. वेल, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, सबसे पहले हमने सुना था कि रणदीप हुड्डा जो है वो सलमान खान के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं. ये एंटागनिस्ट कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, और साथ ही साथ सलमान खान जब उनके ऑपोजिट होंगे
तो भिड़ंत जो होगी वो देखना बहुत एक्साइटिंग होगा। लेकिन उसके बाद खबर आई कि साउथ के सुपरस्टार भरत जो है वो इस फिल्म में जुड़ने वाले हैं, जिनको प्रभु देवा ने अप्रोच किया इस कैरेक्टर के लिए। अब वो भी विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये बात तो साफ हो गई कि दो इंपॉर्टेंट विलेन फिल्म में नजर आने वाले हैं, यानी कि रणदीप हुड्डा और भरत। उसके बाद ये भी खबरें आ रही थी कि तमाम और भी विलेन के रोल के लिए और भी लोगों को साइन करने की बात चालू है, साइन किया जा रहा है, क्योंकि सलमान एक कॉप की भूमिका में नजर आने वाले हैं जो कि एक पूरे माफिया गैंग से लड़ता है। तो पूरे माफिया गैंग में डेफिनेटली बहुत सारे गैंगस्टर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो अब इससे लड़ने के लिए सलमान खान जो कि कॉप बने हुए हैं, तो बहुत सारे माफिया तो लाने पड़ेंगे। तो यानी कि रणदीप हुड्डा हो गए, भरत हो गए साउथ के एक्टर, और भी लोग लाइनअप हो रहे हैं। तो यानी कि इस बार सलमान वर्सेस 3-4 विलन्स होंगे और सलमान जो है वो पूरे देश को बचाएंगे। सो अब ये जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सलमान की बाकी फिल्मों से अलग है, क्योंकि यूजुअली एक ही विलन होता है, पर यहाँ पर 3 विलन है। सो अब इस चीज़ पर आपका क्या कहना है और कितना एक्साइटेड है राधे के लिए, ये कॉमेंट्स करके मुझे बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, जहाँ पर एक तरफ कुछ सेलिब्रिटीज़ और राधर पूरा जो देश है वो क्वारंटीन कर रहा है, घर के अंदर बैठ रहा है। ऐसे में एक्टर्स घर के अंदर जरूर हैं, लेकिन अपनी स्क्रिप्ट्स पर रेगुलरली ध्यान दे रहे हैं कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। ऐसे में हाल ही में खबर आई है कि कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन एक साथ एक फिल्म में साइन होने वाले हैं। जी हाँ, और ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल। अब अगर इस रूमर की माने तो कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन, जो कि पहले भी हम उन्हें थग्स ऑफ हिंदुस्तान हाल ही में आई थी कुछ सालों पहले उसमें देख चुके थे, थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद अब कैटरीना और अमिताभ बच्चन को एक ही साथ एक फिल्म में लिया जा रहा है एक फादर डॉटर स्टोरी के लिए। जी हाँ, यानी कि अमिताभ बच्चन पोर्ट्रे करेंगे फादर का रोल और डॉटर का रोल पोर्ट्रे करेंगी कैटरीना कैफ, और फादर डॉटर एक स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ फुल ऑफ लाइफ एक फिल्म होगी जिसके लिए इन दोनों को ही अप्रोच किया गया है। कैटरीना ने सिर्फ क्रक्स सुनकर ही फिल्म के लिए हाँ कर दी है, वेट है तो सिर्फ अमिताभ बच्चन की हाँ का, और जैसे ही अमिताभ हाँ करते हैं फिर जैसे ही चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती हैं इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई कैटरीना और अमिताभ सर की बात। आप इन दोनों को एक साथ एज फादर डॉटर देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। Practicing self-isolation, me and Izzy have decided to take turns to do the washing up. So I thought I'd do a little refresher tutorial for those of us who have forgotten a bit. So first I was deciding, should I like lather each bowl, rinse it and put it in the rack? But then I decided there's a better way to do it. Just fill up the sink, put all the dishes inside, okay? Then turn off the water so you don't waste water also. Then lather all of them and then put them back here and then rinse them off. Okay. So Kat, now that we're stuck at home, what should we do? Well, you can't leave me ever. So I think everyone knows that now that the government has said that most of the gyms are going to be shut now for some time, I still think that we can, you know, do a workout at home. You can do a small workout at home, maybe 20-25 minutes. You don't have to stress your body, but even a little bit of workout is really good for your immunity. It also keeps your endorphins up at a time where there's a lot of fear and anxiety around. Be positive, be happy. So here, guys, is a routine that you can do at home for 20 minutes that will make you happy. सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो सारा टाइम ये सोचते रहते हैं हाउ टू वर्क, वेयर टू वर्क, व्हेन टू वर्क, यस, कभी ना कभी कैसे भी उन्हें काम जरूर करना है, ही कांट सिट आइडली। अब ये जो पीरियड चल रहा है क्वारंटाइन का, जहां पर पूरा देश जो है वो क्वारंटाइन कर रहा है, राधा पूरी दुनिया क्वारंटाइन कर रही है, सब घर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे में सलमान खान के क्लोज सोर्स ने इस बात को रिवील किया कि स्टार्टिंग में सलमान वॉज एंजॉइंग इट, सिंगिंग, पेंटिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, कुकिंग, ईटिंग गुड फूड। ऐसे में ये पीरियड अब सलमान को कहीं ना कहीं खटक रहा है, क्योंकि ईद रिलीज उनकी राधे जो है वो पेंडिंग होती जा रही है। जी, इस साल सलमान की दो बड़ी फिल्में आ रही हैं, यानी कि एक
कभी ईद कभी दिवाली और राधे द मोस्ट वांटेड भाई, जहां पर हमें सुपर एक्शन देखने को मिलेगा। अब राधे की शूटिंग जो है वो आधी रही हुई है, जी हाँ, और काफी ज्यादा पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी बाकी है। ऐसे में सलमान ने एक स्मार्ट डिसीजन लेते हुए ये डिसाइड किया है कि घर के अंदर ही वो प्रोडक्शन हाउस सेटअप करेंगे छोटा सा, जहां पर एक या दो लोग और सलमान खुद बैठकर राधे का पोस्ट प्रोडक्शन काम यानी कि एडिटिंग को पूरा करें। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब सलमान खान सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ फैंस की एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते रहते हैं। दैट्स व्हाट यू कॉल अ ट्रू एंटरटेनर। अब इस चीज़ पर आपका क्या रिएक्शन है, या आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।